हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका एक नए वीडियो के अंदर स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे रेलवे टेक्नीशियन भर्ती 2024 की। अगर आप रेलवे की टेक्नीशियन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे और ऐसे ही और रेलवे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो सके। तो सबसे पहले अपन जानते हैं बिलासपुर जोन। तो बिलासपुर जोन से जैसे आपको पता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, तो वैसे में यहां से भरने वाले फॉर्मों की संख्या है 30,121। सिकंदराबाद 22,740 फॉर्म अब तक यहां से लग चुके हैं। वहीं अगर मैं बात करूं मुंबई, तो मुंबई से नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1132 ग्रेड थर्ड के लिए और 152 है ग्रेड फर्स्ट के लिए। और वहीं यहां से लगने वाले फॉर्मों की संख्या 45,100। मुंबई से हाईएस्ट फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, उसका एकमात्र कारण यह है कि यहां से नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा है। तो वैसे में नंबर ऑफ वैकेंसीज तो ज्यादा है, लेकिन अगर पर सीट कंपटीशन की बात करें तो मुंबई से वो कम होने वाला है। यही अगर मैं बात करूं कोलकाता, तो कोलकाता से अब तक लगने वाले फॉर्मों की संख्या 18,700, अहमदाबाद 36,457। अहमदाबाद से भी काफी अमाउंट के अंदर फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, तो वैसे में आपको अहमदाबाद से फॉर्म अप्लाई करते वक्त थोड़ा सोचना चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं भोपाल, तो भोपाल से अब तक लगने वाले फॉर्मों की संख्या 21,754। जैसा कि एलपी एग्जामिनेशन के अंदर देखा गया था कि भोपाल एक सेफ जोन बनकर रहा था, क्योंकि भोपाल और मालदा दो एलपी एग्जामिनेशन में भोपाल और मालदा दो ऐसे जोन थे जहां से सबसे कम फॉर्म अप्लाई रहे गए। और साथ ही जो पर सीट कंपटीशन था वो रहा था 196 के समथिंग, जो सबसे कम अमाउंट था। तो वैसा कहीं टेक्नीशियन एग्जामिनेशन में भी देखने को मिल सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर से अब तक लगने वाले फॉर्मों की संख्या 8,237, अजमेर 22,415। राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए अजमेर धीरे धीरे रेड जोन की कैटेगरी में बनता हुआ जा रहा है। तो मालदा 10,700। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और बाकी बचे हुए जोन भी देखते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं प्रयागराज, तो प्रयागराज से अब तक लगने वाले फॉर्मों की संख्या 16,254। चंडीगढ़ से नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कम है और वैसे में यहां से कम ही फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, जो लगभग है 13,530। लेकिन जब पर सीट कंपटीशन की बात करेंगे तो चंडीगढ़ से वो काफी इंक्रीज हो चुका है। वहीं अगर मैं बात करूं चेन्नई, तो चेन्नई से अब तक लगने वाले फॉर्मों की संख्या 21,200। चेन्नई एक अच्छा जोन है, क्योंकि चेन्नई से नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा और अप्लाई होने वाले फॉर्मों की संख्या कम है, तो यहां से जो पर सीट कंपटीशन निकल के आएगा वो अपने आप में कम है बाकी सब जोन को देखते हुए। वहीं अगर मैं बात करूं गोरखपुर, तो गोरखपुर से अब तक लगने वाले फॉर्मों की संख्या 11,200। गुवाहाटी से अब तक लगने वाले फॉर्मों की संख्या 24,500। गुवाहाटी भी सेफ जोन नहीं है दोस्तों, गुवाहाटी से काफी अमाउंट के अंदर फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन बाकी सब जोन को देखते हुए गुवाहाटी एक ठीक ठाक जोन नजर आ रहा है, क्योंकि यहां से नंबर ऑफ वैकेंसीज तो एटलीस्ट ज्यादा है। वहीं अगर मैं बात करूं जम्मू एंड श्रीनगर, तो जम्मू एंड श्रीनगर से लगने वाले फॉर्मों की संख्या 17,350। मुजफ्फरपुर 10,450। रांची की बात करें, तो रांची से अब तक लगने वाले फॉर्मों की संख्या 18,351। वहीं पटना का डाटा हमारे पास आज की डेट में नहीं आया है। अगर आपने पटना से अप्लाई किया तो जल्दी से हमें बता दीजिए कि आपके रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। वहीं अगर मैं बात करूं तिरुवनंतपुरम, तो तिरुवनंतपुरम से अब तक लगने वाले फॉर्मों की संख्या 11,300 और सिलीगुड़ी से अब तक लगने वाले फॉर्मों की संख्या 7,130। तो दोनों स्लाइड के एनालिसिस के बाद हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि मैक्सिमम फॉर्म अप्लाइड जोन अपने हैं मुंबई, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, रांची, बेंगलोर, अजमेर और चेन्नई। और ऐसे जोन जहां से कम फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं वो है तिरुवनंतपुरम, सिलीगुड़ी, जम्मू एंड श्रीनगर, प्रयागराज और गोरखपुर। इस जोन से फॉर्म अप्लाई किया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसी और रेलवे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।